तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो है अपने फेसबुक के स्टेटस व्यूज़ पर हज़ारों में कैसे व्यूज़ को ला सकते हैं। उसके लिए मैंने बहुत ही जेन्युइन और सीक्रेट ट्रिक खोज के निकाल दी है, जिसको बताने के बाद आप बोलोगे भाई आपने कैसे वीडियोज़ बना दी है। तो फटाफट से इस वीडियो को बिना देरी के लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपको हमेशा देखने को मिलती रहती है। गाइस, मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी एक वीडियो फेसबुक स्टेटस व्यूज़ को लेकर, उसको आपने बहुत सारा अच्छा खासा प्यार दिया, उस पर करीब 60K+ लाइक यहाँ पे 60K+ यहाँ पे व्यूज़ चले गए हैं। और उसी के डिमांड पर एक और बोली थी वीडियो को, भाई ये थोड़ी सी पुरानी ट्रिक है और एक लेटेस्ट ट्रिक लेकर आओ। तो मैं उसके लिए आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट ट्रिक। उसको यूज़ करने के लिए आपको सिंपल से अपना फेसबुक ओपन करना है, और फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे आप साइड में देख सकते होगे, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाना है, और यहाँ पे आपको सेटिंग और प्राइवेसी का ऑप्शन दिख जाएगा। गाइस, मैं आपको इसमें 2 ट्रिक बताऊंगा, जिसमें कि आपको एक जेन्युइन ट्रिक होगा और एक फेक ट्रिक होगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे ही फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टोरी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ जैसे ही आप स्टोरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो स्टोरी प्राइवेसी वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा खुल के इंटरफेस सामने आने वाला है, और यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो है पब्लिक फ्रेंड यहाँ पे करने का दे रहा है। तो इसमें आपको चेक कर लेना है एक बार कि आपका यहाँ पे पब्लिक है या फिर फ्रेंड है या फिर कस्टम है। यहाँ पे अगर आपका फ्रेंड्स होता है तो उसको आप पब्लिक कर दीजिए, और आपका यहाँ पे कस्टम होता है तो भी उसको पब्लिक कर दीजिए। इससे क्या होता है, जो हमारी फेसबुक पे है कोई भी हमारे यहाँ पे स्टोरी देख सकता है जो हमारा फ्रेंड्स नहीं भी है। इससे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गाइस जब हम फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हैं तो वो रीच पहुँचाता है। जैसे कि मान लीजिए वो 1000 बंदों के पास हमारी ये स्टोरी पहुंचाता है, और उसमें से कितने बंदों ने उस आइकन पे क्लिक किया, छोटे वाले आइकन पे, और हमारी स्टोरी को देखा, और अगर वो हमारी स्टोरी में इंटरेस्टेड है तो वो और लोगों के पास फॉरवर्ड करता है। इसी ट्रिगो पे काम करता है ये वाला स्टोरी वाला ऑप्शन। अगर आप कोशिश करें कि आप बहुत छोटा से छोटा और इंटरेस्टिंग और स्टोरी फेसबुक पे लगाने की कोशिश करें, उससे क्या होगा कि आपकी स्टोरी पर और ज़्यादा व्यूज़ को बढ़ाने में मदद मिलेगी आपको। ये तो बात होगी एकदम जेन्युइन ट्रिक, कैसे अपने फेसबुक स्टोरी पे व्यूज़ को बढ़ाना है और क्या सेटिंग करनी है अपने स्टोरी में। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, और उस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी माय वेबसाइट की, और उस माय वेबसाइट वाले लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको वो रिडायरेक्ट कर देगा आपके ब्राउज़र पे। और ब्राउज़र पे रिडायरेक्ट करने के बाद मैंने वहाँ पे एक PNG को डाल रखी है। उस PNG को आपको सिंपल से लॉन्ग प्रेस क्लिक करके रखना है, और लॉन्ग प्रेस क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव इमेज वाला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, और जैसे ही उस पर आप क्लिक करते हैं तो वो आपके जो है सेव हो जाती है स्टोरी में। और उसको सेव करने के बाद आपको सिंपल से अपने फेसबुक ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐड स्टोरी कर देनी है। ऐड स्टोरी में करना क्या है, उस वाले PNG को जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट पे प्रोवाइड कराई है, उसको यहाँ से सिंपल से ऐड कर देना है अपने स्टोरी पे। और स्टोरी पे ऐड करने के बाद आपके पास गाइज बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे कॉल्स आने वाले हैं, भाई तूने ये ट्रिक कैसे यूज़ की और कैसे तेरे स्टोरी व्यूज़ पे अचानक इतने व्यूज़ आ गए। और आप जितना अगर बोलते हैं कि आपको कितने स्टोरी व्यूज़ चाहिए, तो मैं वहाँ पे एडिट करके आपको और PNG ऐड कर दूंगा आपके कमेंट के अनुसार, आपको कितने वहाँ पे व्यूज़ चाहिए, कितने का PNG चाहिए। अगर आपको करने आता है तो आप सिंपल से कर सकते हैं पिक्सआर्ट से, मैं पिक्सआर्ट को यूज़ करता हूँ। अगर नहीं करने आता है तो आप सिंपल से एक कमेंट छोड़ दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ से आपको एडिट करके दे देने वाला हूँ वो वाला PNG। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी छोटी सी पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों साथ शेयर करिए, और चैनल पर भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, मेरी यूज़र नेम आपको नीचे स्लैश हो रही होगी। और चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा कंटेंट को हमेशा पोस्ट करते रहता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।